सो गाइस फाइनली हम विकास सर, आशीष सर एंड मई सर जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन के न्यू शोरूम जिस पे हम लोग खरीदने वाले हैं, और उससे पहले हमें बुकिंग करनी पड़ेगी। तो बुकिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट डिलीवरी हम लोग लेने वाले हैं हैप्पी बर्थडे को। रास्ते में ही हमें वो होटल दिख गया जहाँ पर हम लोगों ने एंगेजमेंट कम्प्लीट किया था, और इसी के साथ हम लोग रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ बनारस की चलिए गलियों में चलते हुए आते हैं सिगरा पे। सिगरा पे टाटा क्या शोरूम हमारे पास आ चुका है, और इसके अंदर चलिए करते हैं एंट्री। और एंट्री से पहले आशीष सर और गणेश सर अपनी टू व्हीलर यानी फोर व्हीलर करने वाले हैं पार्क। तो पार्किंग हो चुकी है, और हम लोग आते हैं शोरूम के मेन एंट्रेंस यानी एंट्री करते हैं। और अंदर हम लोगों का ऑलरेडी बात हो चुका था, चूँकि टेस्ट ड्राइव के लिए है तो थोड़े से डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने थे। डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा है, तब तक थोड़े बहुत हम लोग अपने में इन्जॉय करते हुए। और ये वाह भाई, यही मॉडल है टाटा की नेक्सॉन, ये ईवी है, इलेक्ट्रिक है, बट हम लोग का डीजल वर्जन है। और तब तक हम लोग के लिए चाय का भी व्यवस्था है, हाँ चाय तो मिल गया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम वेट इन्जॉय करते हैं, और खाली समय में हम लोग पानी पी रहे हैं। हम बोले चाय लाइए तो पता नहीं क्या करते हैं, पहले पानी पी लेते हैं, चाय मिलेगा तो पी लेंगे, नहीं तो फिर बाहर पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाय तो पीना है, ठीक है, चाय तो पीना है, लेकिन खर्चा जब हो रहा है तो चाय पे चर्चा भी होगा। तो हम लोग खाली समय में सोचते हैं कि कुछ विजिट कर लें कुछ और कार की, क्योंकि एक बार हम लोग ऑलरेडी शोरूम में आए हुए थे तो हमें यहाँ पे एक और मॉडल दिखा था, है ना, तो उस मॉडल को भी। और मन तो घूमता रहता है, कुछ और चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहेंगी, लेकिन हम लोग को जो चाहिए वही चाहिए, है ना। और एक अल्ट्रोज मॉडल है जो कि 10 लाख में अंडर रहती है, तो पिछली बार ये पसंद आ गई थी, बट इससे ज़्यादा क्योंकि यह कार है, और जो हम लोग ले रहे हैं तो वो SUV सेगमेंट में है, है ना। जैसे कार का अपना क्रेज़ है, अब न्यू जनरेशन के हिसाब से SUV का ज़्यादा क्रेज़ है, तो SUV के तरफ हम लोग को जाना पड़ा। नहीं तो अगर SUV नहीं होती तो ये अल्ट्रोज मॉडल फिक्स था, डन भी हो चुका था, काफ़ी अच्छी मॉडल है ये भी। बट कोई नहीं, फाइनली SUV की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और अब SUV का टेस्ट ड्राइव का समय हो ही रहा था, तो हम लोग सोचे कुछ और अपना जो अलग मॉडल दिख रहे हैं उसको देखते हैं। और इसी बीच हम लोग टाटा के शोरूम में आ चुके हैं, गजब की AC वाली फीलिंग आ रही है, और मेरे कार के अंदर भी। और अच्छी बात जानते हैं क्या है, सभी लोग स्लीपर में आए हुए हैं, हो सकता है वीडियोस में कहीं ना कहीं दिखेगा। तो अभी डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा है, आज हम लोग टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं टाटा की कार की, और जितने भी स्टाफ हैं सब बता रहे हैं बढ़िया है बढ़िया है, वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। और भी मॉडल है, लेकिन हम लोग का नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जो कि टॉप से इन इंडिया SUV का है ना, काफ़ी ज़्यादा सही। सो गाइस फाइनली हम लोग का टाइमिंग हो चुका है, हम लोग रोड पे आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग को कार के लिए मिलेगा। बट उससे पहले आम वाले भैया ने आम बेचने की कोशिश की है, चलिए कार वाले भैया भी अपना कार निकाल ले रहे हैं, ताकि मेन रोड पे हम लोग को देते हैं, है ना। ऑलरेडी अब हम लोग आ चुके हैं, अब बारी है मेरी। जी हाँ गाइस, फाइनली जिस चीज़ के लिए आ रहे थे, अब ड्राइवर सीट हमारे कंट्रोल में आने वाला है, और इस चीज़ का हमें काफ़ी वेट था। और फाइनली यार इसके अंदर का कैबिन आप देखेंगे कितना खूबसूरत है, काफ़ी लग्जेरियस फीलिंग आती है यार, मज़ा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस टाटा नेक्सॉन में, सीट बेल्ट एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद सीट बेल्ट भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक में हम लोगों को, है ना, मेन में दिखाया गया है, बताया गया है, ताकि यहाँ से हम लोग को टेस्ट ड्राइव का अलग ही एक्सपीरियंस, है ना, ग्राउंड वाला अलग है, भीड़ में जो मज़ा है। हम लोग आए थे कि अपनी जो लेट
कैसा लगा पीछे सीट पे? इनके लिए एक जगह मिला है ना, कौन सा जगह? एक जो जगह था वो स्पेशल एक जगह था, वही इनको चाहिए था, वो है मेरे काम की सारी चीजें।